आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम के उद्घाटन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से करीब 10:25 पर कल्की धाम पहुंचे, जहां पर उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, जनपद के उच्च अधिकारी व कल्की पीठ के कुछ संत भी मौजूद रहे। जिसके बाद पीएम मोदी ने कल्की धाम की आधारशिला रखी और जनसभा को संबोधित किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रशंसा करते हुए कल्की धाम की विशेषताओं को भी बताया। आप भी सुनिए। अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये इस वक्त में हम जुगर रहे। और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहां संभल में भव्य कल्की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों,
एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इसका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन, ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। इसलिए मैंने लाल किले से देश को विश्वास दिलाया था, यही समय है, सही समय है। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब मैंने एक और बात कही थी, 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले हजार वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।